चलो हमको नहीं आएगा। अच्छा थैंक यू। तो सबसे ज्यादा डर किस चीज का था और उस पर जीत हासिल कर ली आपने? सही बताओ तो जीत तो किसी डर का हासिल ऐसा छुई नहीं, क्योंकि अभी भी अगर मेरे सामने सांप रख दोगे तो मुझे डर लगेगा। तो डर सांप पे था मुझे, पर वहाँ जाके मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे डर है ऑफ कोल्ड वेदर ऑफ रेन, बिकॉज एवरी टाइम इट रेन एयर और ठंड होती थी तो हम बोलते थे अब स्टंट कैसे होगा, अब तो मुश्किल होने वाला है। तो हमारे डर और नए पैदा हुए वहाँ पर। एक्चुअली मतलब जब गए थे तो फॉर मी इट वॉज लाइक कि मुझे हर चीज़ से डर लगता है, बट आई वेंट टू ओवरकम एंड स्लोली स्लोली जैसे हाइट यू नो वाटर हो गया, हाइट हो गया, ड्राइविंग नहीं आई। बट ऐसे आई थिंक गाइस के लिए भी इतने डिफिकल्ट, अर्जुन, वरुण, विशाल, इन सब के भी नए नए फोबियाज होते हैं इनको बेसिकली आई थिंक ये हाइट वाइट का डर नहीं था, बट आई थिंक ये जो फ्लैग लेना, तालाबंदी खोलना, ठंडा ठंडा वेदर, बारिश इन सब का डर रहता था। और ऊपर से रोहित सर का डेवलपमेंट कैसा था? आपको चोट भी लगी थी और आपको आराम करने की सलाह दी थी? चोटे एक्चुअली सबको लगी थी। आपका हाथ फ्रैक्चर हुआ था? नहीं नहीं, चोटे एक्चुअली सबको लगी थी, उनका शो ही ऐसा है कि स्टंट करते हुए इंजरीज हो जाती है, बट छोटी छोटी चोटे जब आप स्टंट कर रहे होते हो तो ब्रूज हो जाता है, हाथ में स्क्रैच आ जाता है, लिटरली मेरी बॉडी पे स्क्रैचेस, बट आई थिंक दीज लिटिल थिंग्स ही आपकी एक विनिंग होती है, मेमोरी बन जाती है और एक विनिंग मोमेंट, मतलब अच्छा लगता है आपको कि आपने कुछ ऐसा किया था। सो या थैंक यू।